अभी जो है तो बीजेपी और राष्ट्रवादी की जो सरकार बनी है, इस पे आपका क्या कहना है? मैं ये समझता हूँ कि आज जो एनसीपी की सत्ता बनी बीजेपी के साथ में मिलकर, ये बेइंतहा गलत हुआ, क्योंकि एनसीपी वालों ने सेकुलर बोर्ड का वोट मांगा और बीजेपी के साथ जो हाथ मिलाए तो बेइंतहा गलत हुआ। क्यों? कि एनसीपी वाले ने खास करके ये बोले कि हम बीजेपी शिवसेना के विरोध में है, बीजेपी शिवसेना से हमारा दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, विधानसभा के चुनाव में भाषण करे के स्टेज के ऊपर कि हमारा इनका दूर दूर तक संबंध नहीं है, इनके खिलाफ वोट मांगे और मुसलमानों को यूं बहला फुसला कर वोट मांगे कि एनसीपी एक सेकुलर है और सेकुलर जमात के लिए, मुसलमानों के लिए सेकुलर जमात कामयाब है, बेहतर है बोल के, लेकिन इन्हों सेकुलर नहीं रहे। इससे पहले विधानसभा के इलेक्शन के दौरान हमारे भाई अलहाज बैरिस्टर असुद्दीन अवीसी ने कहा था कि सेकुलर अब जिंदा नहीं रहा, और वही बात अब मुझे सामने होते हुए नजर आई कि सेकुलर कह के इनका सेकुलर का पर्दाफाश हो गया। इनका जो सेकुलर का बुरखा इन्होंने पहने थे, ये ट्राटर फट गया, ऐसा मैं समझता हूँ। और इन्होंने इसी पर बस नहीं, बल्कि हमारे ऊपर जो आरोप लगाए कि एमआईएम बी टीम है भाजपा की, ये उन्होंने उनका जुमला वापस लेना चाहिए, इसलिए कि ये सिद्ध हुआ कि बीजेपी की बी टीम एमआईएम है या फिर एनसीपी है, ये सिद्ध हुआ इसलिए कि एमआईएम के लोगों ने कहीं भी किसी भी एतबार से बीजेपी शिवसेना को समर्थन आज तक नहीं दिया, इन्होंने समर्थन देके सत्ता में चले गए। अब ये सत्ता में जो गए तो मेरा बोलने का मंशा ये है कि शरद पवार साहब अपने आप को ऐसा बाजू में रख रहे कि मेरा इससे कोई रोल नहीं है, लेकिन उनके एनसीपी के आमदार हमारे अपने बीड जिले के माजलगांव तालुके के आमदार प्रकाश सोलंग के साथ ने ये जाहिर कर दिया कि अजीत पवार ने जो फैसला लिए ये शरद पवार को बिना पूछे नहीं लगा। ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए थे एमआईएम के ऊपर, ये इन्होंने इल्ज़ाम अपने जुबान से वापस लेना चाहिए और मुसलमानों से माफ़ी मांगना चाहिए कि हमने तुमको बहला फुसला कर तुम्हारे से वोट लिए थे, लेकिन वाकई में एनसीपी जो है तो बीजेपी की बी टीम है, एमआईएम नहीं है। एमआईएम बल्कि मुसलमानों की नहीं बल्कि दिगर समाज की भी एक हमदर्द जमात है। जैसा कि मैं तुमको एक मिसाल के तौर पर मिसाल देता हूँ कि 53 तलाक का जब मसला चला, तलाक ए सलासा का, तो सबसे पहले एमआईएम के कायदे मोहतरम अलहाज बैरिस्टर असुद्दीन अवीसी साहब ने आवाज़ उठाई। इसी पर बस नहीं बल्कि जहाँ कहीं भी मुसलमानों के ऊपर या मुसलमानों के अलावा जिस किसी के भी ऊपर जुल्म होता है तो सबसे पहले अगर इसके भी कोई आवाज़ उठाता है उसका नाम अलहाज बैरिस्टर असुद्दीन अवीसी है। और उसी के साथ ही साथ अभी जो है कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके अंदर भी अगर इसके भी सबसे पहले मीडिया के ऊपर कोई जवाब दिया होगा तो मेरे कायद अलहाज बैरिस्टर असुद्दीन अवीसी साहब है। अब ये ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर शक करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, लेकिन फिर भी कुछ मुस्लिम नेताओं ने एनसीपी के हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा के जाहिर किया या हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि एमआईएम वाले भाजपा की भी टीम है, उन्होंने मुसलमानों से माफ़ी मांगना चाहिए और ये जो जमात है एनसीपी का कि बीजेपी के साथ में इन्होंने जो गठबंधन किया इसका जाहिर निषेध सिर्फ घर में बैठकर पलंग पे सोकर लंबे पोकर के निषेध नहीं करना चाहिए बल्कि रोड पे उतर कर लोगों के सामने जाके इस घटना का जाहिर निषेध करना चाहिए। इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? मेरी इस बारे में ये राय है कि महाराष्ट्र के अंदर जब भी इलेक्शन का मुद्दा आया या जब भी असेंबली के चुनाव हुए, उस मौके पर मुस्लिम समाज को सेकुलरिज्म के नाम पर, जमहूरियत के नाम पर और साथ लेकर चलने के नाम पर राष्ट्रवादी या कांग्रेस पार्टी ने जो है तो वोट मांगा है। आज भी गुज़िश्ता दिनों जो विधानसभा इलेक्शन हुए
उस इलेक्शन में भी जो है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस ने यही नारा लगाकर कि हम सेकुलरिज्म है, हम सबको साथ, सबका विकास करने वाली पार्टी है, इस नाम पर, और ख़ासकर मैं एक मजलिस का एक अपना सा कार्यकर्ता है, एक अपना सा कारकुन है, तो मजलिस को बदनाम करने की ये कहकर कोशिश की गई कि मजलिस जो है तो बीजेपी की बी टीम है और मजलिस के नुमाइंदे इसलिए खड़े किए जाते हैं ताकि बीजेपी का वोट, एनसीपी का वोट काटा जाए और बीजेपी के कैंडिडेट को चुनकर लाया जाए। जब ये बात कहकर जो है तो एनसीपी के वर्कर और एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने चुनावी मेहनत की और आज जब भीड़ से और महाराष्ट्र के अंदर जो है तो अक्सरियत जगह से जब एनसीपी के वोट नुमाइंदे चुनकर आए तो आज एनसीपी ने मुसलमानों के साथ ये दगाबाजी की और धोखादही की कि रातों रात अजीत पवार को डिप्टी सीएम के नाम पर महाराष्ट्र का जो है तो मुंतखब किया गया और शरद पवार साहब ये कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं, ये जो है तो कोई बात हजम होने वाली है नहीं। ये इससे ये मालूम होता है कि तुम्हारे पास मुसलमानों के जज्बात की, मुसलमानों के एहसास की, या मुसलमानों ने तुम्हारे ऊपर जो भरोसा किए इसकी तुम्हारे पास कोई कदर नहीं है। दूसरी बात कि यहाँ पर बीड़ विधानसभा होता है असम्बली में, जितने एनसीपी के कार्यकर्ता हैं उन तमाम कार्यकर्ता से मेरी ये अपील है और मैं एक मुसलमान होने के अतबार से ये अपील करता हूँ कि उन्होंने रोड पर आकर अजीत पवार साहब का जो है तो निषेध करना चाहिए। जितने लोग सेकुलर मानते हैं खुद को, चाहे वो कहीं पर भी कोई भी आमदार हो एनसीपी का, उन्होंने जो है तो अपने पद से राजीनामा देना चाहिए।